हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास सिक्स का, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का, मोशंस ऑफ द अर्थ। हमें पता है अभी तक हमने क्या पढ़ा, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा पूरे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि सूरज होता है उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि कैसे जो अर्थ है आपकी वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइडेड है, ठीक है। लैटिट्यूड लाइन्स ये जो आपका बीच वाला इक्वेटर था आपको पता था, ठीक है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन, जो आपका सेंटर वाली लाइन थी आपको पता है, जिसे आप एक्सिस कह देते हो, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है कि हाँ भाई इसके चारों तरफ जो हमारी अर्थ है वो घूमती होगी, ठीक है। तो अब अर्थ कैसे कैसे घूमती है उसे ही हम डीपली पढ़ेंगे, और अर्थ के घूमने से होता क्या है, ठीक है। तो अर्थ दो तरीके से घूमती है, आपने कई बार सुना होगा, अब तक पढ़ा नहीं होगा बट सुना ज़रूर होगा कि अर्थ दो तरीके से घूमती है, ठीक है, और इसके घूमने से होता क्या है वो अभी हम समझेंगे पूरा। तो देखो पहले कैसे तरीके से घूमती है, एक तो जो अर्थ है, ठीक है, वो अपने ही चारों तरफ घूमती है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, मान लो कि आप गोल 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 खुद ही अपने आप में ही घूम रहे हो, तो आप अपने ही एक जगह पे गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है। और एक है कि आपने किसी बच्चे को बीच में बिठा दिया और आप इसके चारों तरफ घूम रहे हो, ठीक है। तो एक तो आप खुद ही गोल गोल घूम रहे थे और अब आप किसी और के चारों तरफ घूम रहे हो, तो अर्थ ये दोनों ही काम करती है, अपने चारों तरफ घूमते घूमते सूरज के चारों तरफ भी घूमती है, ठीक है। तो ये दो आपके मोशंस होते हैं और उनसे क्या क्या इफेक्ट होता है वो हम पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि दो टाइप के रोटेशन, मतलब दो टाइप के मोशंस करती है, दो तरह से घूमती है, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब रोटेशन क्या है, रोटेशन वो मूवमेंट है जो अर्थ का अपने ही एक्सिस पे है, जब आप खुद ही घूम रहे थे ना, बिना किसी के चारों तरफ घूमे, जब खुद ही घूम रहे हो आप अपने आप में, ठीक है। मान लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ये एक्सिस पॉइंट है, वो यहीं से घूमे जा रही है, ये गोल 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 ये इधर जा रहा है और ये इधर ऐसे घूमे जा रही है, ठीक है। तो ये गोल 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 जो घूम रही है सिर्फ और सिर्फ अपने ही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे घूमे जा रही है, तो ये क्या है आपका रोटेशन, ये क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, ठीक है। और जब ये सूरज के चारों तरफ घूम रही है एक फिक्स पाथ पे, ये आपका क्या है, रिवॉल्यूशन, ठीक है, कि ये सूरज के चारों तरफ घूम रही है, अर्थ यहाँ घूमते घूमते यहाँ गई, घूमते घूमते यहाँ गई, घूमते घूमते यहाँ गई, सूरज आपके यहाँ बीच में है, ठीक है, घूमते घूमते यहाँ ही यहाँ ही यहाँ ही और फिर अपने वापस जगह पे आ गई और फिर ऐसे ही चक्कर चलने लगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो चारों तरफ अर्थ जो है जो घूम रही है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड रास्ते पर, उसे आप क्या कहते हो, रिवॉल्यूशन कहते हो, क्या कहते हो, रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इससे क्या क्या होता है, वो आपको अब एक एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं। मान लो कि आप पहचानोगे कैसे, लाइक एक एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं कि एक कैंडल है, एक कैंडल रखो, ठीक है, ये जो कैंडल होगी ये सूरज का काम कर रही है, आप अपने पास एक रखो बॉल, ठीक है, आपने एक बॉल रख ली, ठीक है, उस बॉल पे कहीं पे भी एक्स मार्क कर दो, जहाँ पे भी आपने एक्स मार्क करा है, ठीक है, वो आपका एक टाउन एक शहर हो गया, ठीक है। अब आप इसे घुमाओ, कैसे घुमाओगे इस अर्थ को, जब चारों तरफ घुमाओगे ना तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो एक्स है वो घूम के इस साइड आ जाएगा, ठीक है, जब इस गोल बॉल को आप चारों तरफ घुमाओगे, ठीक है, तो ये बॉल अपने आप में घूमेगी और एक तरफ ऐसा आएगा कि वो इस साइड आ जाएगी, जब ये इस साइड आ गई सूरज की तरफ तब यहाँ सूरज निकल गया यानी कि सनराइज हो गया, ठीक है, और जब घूम के वापस से पीछे आ गई तो वो क्या हो गया, सनसेट हो गया, यानी कि आपका दिन छिप गया, रात हो गई, ठीक है। अब क्या है, जो ये अर्थ ऐसे, यानी कि जब ये बॉल को आप ऐसे चारों तरफ घुमाओगे, ठीक है, तब तो क्या होगा, मौसम चेंज होगा, मौसम कैसे चेंज होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो अपनी ही जगह पे घूम रही है ना, अपनी ही जगह पे, तब क्या होगा, उससे दिन और रात होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे होते हैं, समझ लो एक बार, मान लो कि यहाँ पे आपका सूरज है, ठीक है, आपकी अर्थ है साइड में, ठीक है, अर्थ पे यहाँ पे मैंने ए पॉइंट ले लिया, अर्थ घूमेगी अपने चारों तरफ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि ए इस साइड भी आएगा, ठीक है। जैसे अगर आप खुद ही अपने हाथ फैला के घूमोगे तो आपका लेफ्ट हैंड एक बार को राइट हैंड की जगह, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की जगह आएगी जब आप घूमोगे चारों तरफ, ठीक है, अपने ही पैरों को घुमा रहे हो आप, ठीक है, तो क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज होगी। तो जब ये ए है, जब ये सूरज से दूर है, सूरज से पास वाला रास्ता ये है, यानी कि जो पहला पास वाला है इलाका ये है, ठीक है, तो ये अभी सूरज से दूर है ए, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन छिप रहा है यानी कि रात हो रही है, जब ये घूम के वापस से यहाँ आ जाएगी, इस साइड आ जाएगा, अब ए यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन निकल जाएगा यानी कि सुबह हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे सनराइज होता है और कैसे सनसेट होता है। तो ठीक है, अब थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं इसको, यानी कि थोड़ा ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। अब देखो क्या है कि जो आपका अर्थ है, ठीक है, मान लो ये आपकी अर्थ है, ये सूरज के चारों तरफ ऐसे घूमती है, तो ये जो रास्ता है ना, ठीक है, ये जो रास्ता है, ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, ये एक तरह का एक प्लेन ही तो बना रहा है, यानी कि एक रास्ता है, ठीक है, उसे आप ऑर्बिटल प्लेन कहते हो, यानी कि जो ऑर्बिट एक प्लेन बनाता है उसे आप ऑर्बिटल प्लेन कहते हो, ठीक है, जो रास्ता ऑर्बिट ने बनाया वो आपका ऑर्बिटल प्लेन हो गया, ठीक है। अब मज़े की बात यह है कि जो अर्थ है ना, ठीक है, जैसे आपका ये पूरा अर्थ है सर्कुलर, ठीक है, बीच में ये एक्सिस है आपकी जहाँ पे चारों तरफ घूमती है, ऐसा नहीं है कि जो आपकी अर्थ है वो ऐसे टिकी हुई है बिल्कुल
सीधी और बिल्कुल सीधी ये एक्सिस जा रही है। जी नहीं, कैसी है ये एक्सिस? थोड़ी टेढ़ी होती है, यानी कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो थोड़ी टेढ़ी घूमती है, ठीक है, थोड़ी ऐसे है, ठीक है, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा खिसक के यहाँ आ जाएगा, थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है। अभी एक उसमें समझा रही हूँ आपको, एक फिगर में आप यहाँ देखो, ठीक है, ये क्या है? आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ दे रखी है, ये आपकी अर्थ है। जो आपने एक्सिस पॉइंट आज तक देखा था ऐसे करके सीधा देखा था ना, वो एक्सिस पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। क्यों टेढ़ा हो जाता है? क्योंकि ये जो उसकी ऑर्बिटल लाइन है ना, वहाँ से ये एंगल बनाती है 66 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? ये जो एंगल बना आपका 66 डिग्री का बना, ठीक है। आपने एंगल फर्स्ट टू फिफ्थ में पढ़े होंगे, ठीक है, फिफ्थ क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई भी दो लाइन मिलती है उनके बीच के गैप को आप एंगल कहते हो। तो ये है एंगल यहाँ पे 66, ठीक है, क्या है, 66.5 डिग्री का। समझ में आया? यानी कि क्या है, जो ऑर्बिटल लाइन है वो आपकी ये है, ठीक है, आपकी यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी की जो एक्सिस है वो थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है, और ये वाला जो है लाइन और ये वाली जो लाइन है, इनके बीच का एंगल है 66.5 डिग्री। कितना है? 66.5 डिग्री, ठीक। और फिर यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन जा सकती है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। जब आप किसी भी सर्कल को आधा करोगे तो आधी लाइन यहाँ जाएगी। जब 66.5 डिग्री ये है और ये 90 डिग्री होता है ना पूरा, तो माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको याद करने वाली चीज़ नहीं है, 22.5 डिग्री वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट 66.5 डिग्री, यानी कि जिस एंगल पे वो इंक्लाइन कर दिया, जिस एंगल पे वो टेढ़ी है, वो कौन सा एंगल है? 66.5 डिग्री का एंगल है। अब देखो यहाँ पे पूरा, आप यहीं से समझ लो कि क्या है ये जो लाइन है जो दिन और रात को अलग करती है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ ये सूरज की तरफ है तो यहाँ सुबह हो रही है, ये सूरज से दूर है तो यहाँ रात हो रही है। तो इस लाइन को आप कहते हो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हो आप? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। वो वाली लाइन जो दिन और रात वाले पोर्शन को अलग करती है, वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। याद रखना आपका एक्सिस अलग है, यानी कि जो आपने अपनी अर्थ को 50-50 में बांटा था और ऐसे ऐसे करके आपने लैटिट्यूडनल लाइन खींची थी अपनी, वो सॉरी लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींची थी अपनी, ठीक है, ये वाली एक्सिस अलग है क्योंकि ये लाइन अब टेढ़ी हो चुकी है, ठीक है, तो एंगल अब दूसरा बनेगा। तो ये क्या है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो रात को दिन से अलग करता है, रात वाले पोर्शन को दिन वाले पोर्शन से अलग करता है, ठीक है। अब देख लो एक बार, लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या दे रखा है आपका। सिंपल सी बात है कि जो सर्कल है, इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस, ठीक है, जो आपकी एक्सिस है और जो आपका ऑर्बिटल प्लेन है वो 66.5 डिग्री बनाता है, ठीक है। ऑर्बिट का जो रास्ता है वही ऑर्बिटल प्लेन होता है। हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की, आपने पढ़ा था पहले, वैसे तो स्फेरिकल नहीं है, जियोइड है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से थोड़ी सी मोटी निकली हुई है, ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट है, फिर भी थोड़ी बहुत टच, मतलब थोड़ा बहुत शेप जाता है बॉल की तरह, यानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्फेरिकल शेप की है, जिसकी वजह से आधे में सिर्फ सूरज निकलता है और आधा पोर्शन रात वाला होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई फ्लैट होता, ठीक है, ऐसे फ्लैट होता तो सिर्फ इसी लाइन पे सूरज की रोशनी पड़ती, ठीक है, या फिर इस वाली लाइन पे, फिर तो आप रह भी नहीं सकते अगर फ्लैट होता, 2D पोजीशन होता। तो 3D होता तो क्या होता, अगर मान लो क्यूब या क्यूबॉइड जैसी शेप की होती तो क्या होता, इस पूरे पोर्शन पे पहले पड़ती, फिर ऊपर छत पे कभी पड़ती ही नहीं, नीचे वाली साइड भी नहीं पड़ती, इस साइड कभी बहुत टाइम बाद पड़ती, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो सूरज का दिन और रात हो रहा है वो क्यों रहा है, स्फेरिकल है हमारी अर्थ, ठीक है। तो आधे पोर्शन पे एक बार धूप पड़ेगी और दूसरे आधे पोर्शन पे दूसरी बार धूप पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, दिन और रात होता है। अगर मान लो ये सर्कल ना होता, ठीक है, और एक जगह पे वो ही अर्थ रहती, रोटेट ना करती, अगर हमारी अर्थ घूमती ना, जैसे मैंने बताया ना कि अपनी चारों तरफ घूम रही है, तो अगर ए पॉइंट एक बार यहाँ पे है तो दूसरी बार यहाँ आएगा ए पॉइंट, ठीक है, फिर यहाँ से वापस यहाँ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है दिन और रात का चेंज, ठीक है। अगर ये अर्थ हमारे घूमते ना तो दिन और रात कभी बदलते ही ना, जो धूप की साइड है वो धूप की साइड ही रहती जगह, जो अंधेरे की साइड है वो अंधेरे की साइड ही रहती। तो आपको पता है क्या, आप कभी ऐसे मौसम पे रह सकते हो कि जहाँ पूरे दिन गर्मी 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 पड़ते रहे, सूरज की रोशनी पड़ती रहे? फिर तो अर्थ पे जीवन पॉसिबल होता ही नहीं। तो अर्थ के घूमने की वजह से अर्थ का जीवन बहुत ही हद तक पॉसिबल हो पाया है, बल्कि जो अर्थ का दिन है, ठीक है, जो 24 घंटे का टाइम है जो रोटेशन में लेती है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो घूमती है, तो घूमने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स का टाइम लेती है, और 24 आवर्स का ही आपका दिन होता है, आपको पता है, ठीक है। तो आधा दिन 12 घंटे दिन और आधे 12 घंटे रात, और इसमें भी क्या है, 12 घंटे सिर्फ इक्वेटर पे ही होता है ऐसा, लाइक इक्वल दिन और रात सिर्फ इक्वेटर पे ही होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, ठीक है। बाकी अगर ऊपर और नीचे जाओगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड जाओगे, तो सूरज की रोशनी फिर टेढ़ी पड़ना शुरू हो जाती है, तो दिन और रात की टाइमिंग में चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये जो डेली का मोशन होता है अर्थ का, इसकी वजह से अर्थ डे होता है, यानी कि जो हमारे अर्थ का एक दिन होता है वो माना जाता है, ठीक है, रोटेशन होता है, इसलिए दिन और रात होती है, इसलिए कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आती, यानी कि ना तो इतना ठंड होता है कि झेला ना जाए, ना इतनी गर्मी होती है कि ना झेली, ठीक है। नॉर्मल अर्थ में ये सब होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो आप डिग्री वाला जो आपको मैंने बताया था
क्या है, ये वो वाली लाइन है यहाँ से जो आपकी ऑर्बिट है, यानी कि इस ऐसे चारों तरफ तो वो घूम रहा है, ठीक है। आप देखो, बात करो जैसे ये सर्कुलर है, ठीक है, ऐसे ये थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है, टेढ़ी है, ये आपका एक्सिस है, एक्सिस से और इस वाले रास्ते में कितने डिग्री का एंगल है, 66.5 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, पूरा 23.5 डिग्री बनेगी, ये तो अलग बात है, 23.5 डिग्री आप इतना याद मत रखो, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या, इक्वेटर टेढ़ी हो गई, जो आप अगर पहले अपने सेकंड चैप्टर के मैप ग्लोब देखोगे ना, तो उसमें क्या इक्वेटर आपको कहीं ना कहीं सीधी दिखाई गई होगी या फिर थोड़ी बहुत टेढ़ी ऐसे करके दिखाई गई होगी। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में वो टेढ़ी ही रहती है, ठीक है। हमने क्यों बोला, क्योंकि इस धुरी पे तो वो खुद घूम रही है और यहाँ पे वो बाहर घूम रही है, ठीक है। देखो इसके सहारे तो वो बाहर घूम रही है इस रास्ते पे, और इस रास्ते पे खुद घूम रही है, ठीक है, यानी कि खुद एक टेढ़ी करके ऐसे ऐसे घूमती 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 पूरा कवर करती हुई आगे तक जाती है, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। अब ये मैं बता चुकी हूँ क्या होता अगर अर्थ रोटेट ना करती, तो इतनी गर्मी होती कि आप सह नहीं पाते, और फिर इतनी ठंड होती एक जगह पे कि आप सह नहीं पाते, तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाती, ठीक है। आपको पता है कि हमारे जो एंशियंट एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उन्होंने कई साल पहले ही बता दिया था कि जो अर्थ है वो राउंड है और रोटेट करती है अपनी खुद की एक्सिस पे, यानी कि सोचो हमारे साइंटिस्ट कितने ज़्यादा लाइक एक्सट्रीम लेवल पे हमारी साइंस थी पहले आर्यभट्ट के टाइम पे, हमें ये सारी चीज़ें पता थी, ठीक है। अब हमने एक मोशन तो देख लिया, रोटेशन, यानी कि अर्थ अपने चारों तरफ घूमती है, उससे क्या हुआ, ये तो देख लिया, अर्थ अपने चारों तरफ घूमी, अपने ही चारों तरफ घूमने से उसने दिन और रात करवा लिए, ठीक है। अगर ना घूमते तो दिन और रात नहीं होते, एक ही पोर्शन पे धूप पड़ती रहती और वहां पे फिर जीना दुश्वार हो जाता, ठीक है। अब दूसरा है रिवॉल्यूशन, यानी कि अब क्या होगा, ये सूरज के चारों तरफ घूमेगी, ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये सूरज के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। अब इस वाले उसको पढ़ेंगे कि ऐसे घूम के मिलता क्या है इसे। सेकंड मोशन है रिवॉल्यूशन, यानी कि जब अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, इसमें वो लगाती है 365 और 1/4 डे, यानी कि 365 तो पूरे पूरे दिन और एक दिन के आधे मतलब चौथाई दिन, यानी कि 6 घंटे, ठीक है। ये जो 6 घंटे हैं ये हम इग्नोर मार देते हैं अपनी कैलकुलेशन की वजह से, लेकिन आपको पता है 6 घंटे 6 6 6 को अगर आप 4 बार प्लस करोगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, 24 हो जाएगा आपका। जब ये 24 हो जाता है तब आपको लीप ईयर देखने को मिलता है। आपको पता है ना कि हमारे में क्या होता है, हर फोर्थ ईयर पर क्या होता है, लीप ईयर पड़ता है। लीप ईयर मतलब साल के जो दिन हो जाएंगे वो 366 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक दिन आया कहाँ से, एक दिन बढ़ा कैसे, एक दिन बढ़ा इसलिए क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो दिन ले रही है अपने 365 और 1/4, यानी कि इतने दिन ये ले रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1/4 घंटे, यानी कि 6 घंटे भी ले रही है दिन के, ठीक है। आप करोगे 24 घंटे को 4 से करोगे, 6 4 = 24 होता है ना, तो आपके 6 घंटे भी ये ले रही है दिन के। अब ये 6 घंटे 4 सालों में प्लस होते होते 6 6 6 6 24 तो बनेंगे, तो एक दिन तो यहाँ से बढ़ गया, ठीक है। एक दिन ये यहाँ से बढ़ा तो हमने कहाँ एडजस्ट कर लिया इसे, फरवरी का जो 29th डे होता है वहाँ पे इसे एडजस्ट कर लिया 29 पे, ठीक है। और इसलिए हमारा जो साल होता है वो 366 डे का होता है, जो आपका लीप ईयर होता है, वरना हमारा साल कितने का होता है, 365 डेज का। यानी कि हमारी जो अर्थ है वो पूरे एक साल में तो घूमती है पूरी सूरज के चारों तरफ, और अपने चारों तरफ सिर्फ एक दिन में घूम जाती है, ठीक है। अपने चारों तरफ एक दिन में घूमती है और यहाँ पे एक साल लगा देती है घूमने में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, पूरे साल में मौसम के चेंजेस होते हैं, मौसम के चेंजेस कैसे होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। 6 आवर्स वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। कि देखो आपने ये भी पढ़ा होगा ना, 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 अगर ये 4 बार आप प्लस करोगे तो 4 आपका कॉमन है, आपने ले लिया 4 कॉमन, ठीक है, ऊपर भी आ गया 4, तो अल्टीमेटली 4 × 1 = 4, यानी कि जो आपका एक साल है ना, जो एक दिन है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। आपका आंसर आया ना 1, तो इसलिए आपका एक दिन बढ़ जाता है यहाँ पे, और वही जो लास्ट में लीप ईयर में ऐड हो जाता है। और अब वो पूछ रहा है आपका नेक्स्ट लीप ईयर कब होने वाला है, ठीक है। तो 2020 चल रहा है, 2020 भी 4 से मल्टीपल है, आपको पता ही है। तो 2020 आपका लीप ईयर था, 29th डेट थी, ठीक है। ये 366 दिन का है आपका साल, और अब कब होगा, 2020 है तो 4 साल बाद, यानी कि 2024, यानी कि 2024 में अब आपका नेक्स्ट लीप ईयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो क्या है, 3.3 वाली फिगर देखने को बोल रहा है वो। 3.3 वाली फिगर में आपको पता चलेगा कि जो अर्थ है वो आपके क्या है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में चारों तरफ घूमती है, ठीक है। ये देख लो आपका इलेप्टिकल ऑर्बिट कैसा है, ये जो इसका रास्ता था, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन था एक तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, आप देखो कि ये जो ऑर्बिट है हर जगह अर्थ जो है सेम डायरेक्शन में ही है, यानी कि अगर अर्थ टिल्टेड है इस साइड को, ठीक है, तो अर्थ अगर नीचे भी आ गई ना तब भी इसी साइड को टिल्टेड है, ठीक है। अर्थ अगर यहाँ पे पहुँच गई तब भी अर्थ इसी साइड को टिल्टेड है, अगर अर्थ यहाँ पे पहुँच जाएगी तो भी अर्थ इसी साइड को टिल्टेड रहेगी, यानी कि जहाँ को झुकी हुई है ना वहीं फिक्स जगह पे झुकी हुई है,
झुकी हुई की बात हो रही है, ये नहीं है कि उसका जो फेस है वो वही सेम है, ठीक है। आप वो चारों तरफ तो घूमती है, लेकिन जो झुकी वो जो एंगल वाली बात करी थी ना हमने 66.5 वाली, वही बात हो रही है एक तरह से यहाँ पे भी, कि देखो ये झुकी कहाँ को है, इसी साइड झुकी हुई है, यहाँ पे भी इसी साइड झुकी हुई है, यहाँ पे भी इसी साइड झुकी हुई है, यहाँ पे भी इसी साइड, यानी कि हमेशा सेम साइड में झुकी हुई होती है। अब वो अपने चारों तरफ अगर घूमेगी सेम साइड में झुके झुके, ठीक है, तो कोई एक पोर्शन एक बार में सूरज के सामने आएगा, कोई एक पोर्शन सूरज से दूर जाएगा, ठीक है। और उसमें भी वो ऐसे जाएगी तो काफ़ी लंबे टाइम तक, एक ही पोर्शन थोड़ा गर्मी को ज़्यादा लेगा कंपेरेटिवली, भले ही दिनों रात रहें तब भी गर्मी ज़्यादा रहेगी किसी एक पोर्शन में। तो इसीलिए क्या होता है, गर्मी का मौसम और सर्दियों का मौसम होता है। देखो ये जो एक ईयर है वो ज़्यादातर चार सीजन्स में आपके डिवाइडेड होते हैं, समर में, विंटर में, गर्मी, सर्दी, तो आपको पता ही है। स्प्रिंग जो वसंत का मौसम होता है, जो होली के बाद एक तरह से लाइक बारिश का मौसम समझ लो, या फिर ये समझ लो कि जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा उगते हैं वसंत आप कहते हो। और फिर ऑटम का सीज़न है जो पतझड़ का होता है, जहाँ पे जो आपके वो है जितने भी पेड़ पौधे वगैरह हैं वो पत्ते झड़ने लग जाते हैं। तो मेनली आपके चार ही मौसम होते हैं, और ये चेंज किस हिसाब से होते हैं, ये आपकी चेंज होते हैं अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम ये डीपली पढ़ेंगे कि कैसे। तो आप वो कह रहे हैं 3.3 फिगर को देखना है आपको, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। 21 जून को, जब आपका 21 जून को आप योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है उस वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसका वो सूरज की तरफ झुका हुआ है। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका हुआ है। वहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट फॉल कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लाइन है, जो जो हमारे भारत के बीच में से भी होकर गुजरती है बिल्कुल, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लाइन है जो आपको ऊपर की साइड मिलेगी ना, आपको ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको मिलता है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्टली पड़ेगी। अब जब सूरज की रोशनी यहाँ पे डायरेक्टली पड़ेगी तो यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा हीट होगी, ठीक है। अब देखो मौसम कौन सा हुआ, गर्मी का, क्योंकि जो ऊपर की साइड वाला पोर्शन है वो ज्यादा टिल्टेड है किसकी तरफ, सूरज की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। लेकिन साथ में क्या सीन है, दिन और रात तो होती रहेंगी, ठीक है, दिन और रात तो वो अपने चारों तरफ घूम रही है, वो सीन मत समझना, सिर्फ गर्मी का मौसम आया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो एरिया है जो पोल्स के पास है वो कम ही हीट लेता है, यानी कि जो दूर वाला है वो तो कम ही हीट लेगा, पोल्स वाला एरिया, बीच वाला एरिया कुछ ज्यादा हीट ले लेता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गर्मी का मौसम होता है। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 21 जून की, ठीक है, ये रहा आपका 21 जून वाला, ठीक है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो कि किस तरह से दिखा रखा है, उसमें भी सेम वही डायग्राम है। 21 जून की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि ऊपर वाला इलाका, ये वाला इलाका ज़्यादा झुका हुआ है ना इसकी तरफ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन ज़्यादा झुका हुआ है सूरज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से समर स्टार्ट हो रही है। अब समर के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 23 सितंबर में स्प्रिंग आएगी। ये क्या है, इसकी डायरेक्शन सेम है, यानी कि ऐसे ही जा रही है, चारों तरफ घूमेंगी भी तो अपने चारों तरफ घूमेंगी, डायरेक्शन इसी साइड रहेगी, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, अभी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सेम गर्मी का मौसम ही यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आके गर्मी का मौसम किस में चेंज हो जाएगा, स्प्रिंग के मौसम में, क्योंकि अब इक्वली हीट पड़ेगी, कोई भी एक टिल्टेड नहीं है, दोनों ही पोर्शन कहीं ना कहीं सूरज की तरफ टिल्टेड है। लेकिन यहाँ पे जो 21 जून वाली बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, सूरज की रोशनी की तरफ बिल्कुल ही हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि ऊपर वाला जहाँ पे इंडिया है, ठीक है, वो लाइक क्या होता है, झुका हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, गर्मी, और साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि नीचे वाले इलाके में क्या होगी, ठंड होगी, ठीक है। ऊपर वाला इलाका ज़्यादा टिल्टेड है तो यहाँ पे होगी क्या, गर्मी, और नीचे वाला इलाका देखो क्या है, सूरज के पीछे की साइड है तो यहाँ पे क्या होगी, क्या होगी यहाँ पे, सर्दियाँ होंगी, ठीक है, ऊपर गर्मी नीचे सर्दी। तो इस गर्मी के मौसम की वजह से हम इस वाली डायरेक्शन को क्या कहते हैं, इस वाली डायरेक्शन में जो हमारा ये मूव करता है, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, समर सोल्स्टिस। अब वो बात कर रहे हैं जब हम 22 दिसंबर की बात कर लें, तो 22 दिसंबर पे क्या होता है, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, यानी कि जब वो जो इक्वेटर है आपका उसके जो नीचे वाली लाइन थी वो सूरज की डायरेक्शन पे डायरेक्ट आ जाती है, यानी कि अब उस पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ने लगती है, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री आपके साउथ में आपको देखने को मिली थी, अब वहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ जाएगी। अब वहाँ पर ज़्यादा धूप का मतलब क्या है, यहाँ पर गर्मियाँ आ जाएंगी, यहाँ पर गर्मियाँ तो ऊपर की साइड क्या होगी, सर्दियाँ, क्योंकि एंगल तो वही है टेढ़ा। अगर ये वाला पोर्शन सूरज की तरफ झुका हुआ है तो ये वाला पोर्शन सूरज से दूर होगा, तो यहाँ पे गर्मी होगी तो यहाँ पे सर्दी होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं इस टाइम पे, तो आप इसे क्या कहते हो, विंटर सोल्स्टिस। क्या कहते हो, विंटर सोल्स्टिस, यानी कि आपको पता है 22 दिसंबर के दौरान आपके यहाँ पे सर्दियाँ ही पड़ती हैं। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस मनाया जाता है वो समर में, गर्मियों में मनाया जाता है। जी हाँ, अगर आप अपने ग्लोब को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ है, यहाँ नीचे है, इंडिया कहाँ है, यहाँ ऊपर है,
इक्वेटर का यहाँ है, तो ये तो साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ा ना ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाएगा, गर्मियों में ही मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्दी होती है उस टाइम, और नीचे क्या होती है, गर्मियाँ होती हैं। ठीक है, अब इस वाले 22 दिसंबर वाले जोन को भी देख लेते हैं एक बार। तो अब देखो घूमते घूमते कहाँ गई पृथ्वी, घूमते घूमते पृथ्वी आ गई है अपने दूसरी साइड पर, दूसरी साइड पर घूम के तो आ गई है, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम रही है। इनकी डायरेक्शन अगर यहाँ थी अब भी यही है, और यहाँ पर भी यही है, अब ये है 22 दिसंबर वाला। ठीक है, अब जो साउथ वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, ये ज़्यादा उठा हुआ है ना सूरज की तरफ, और ये वाला पोर्शन पीछे को लेटा हुआ है, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन क्या है, पीछे को लेटा हुआ है, और नीचे वाला पोर्शन आगे की तरफ है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, गर्मियाँ हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सर्दियाँ हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए इस वाले को क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस क्यों कहते हैं इस पोजीशन को, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे विंटर है। अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है, कि लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी तो आपने कह दिया विंटर सोल्स्टिस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी तो आपने कह दिया समर सोल्स्टिस। क्यों, क्योंकि ज्यादातर देखो जो पॉपुलेशन वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, बाकी यूएसए जैसे जो बड़ी कंट्रीज हैं वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, तो शायद उन्होंने अपनी वजह से कर लिया होगा, या फिर जो हमारे साइंटिस्ट रहे होंगे वो सब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से ही रहे होंगे, इसलिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिए। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने भेदभाव एनॉल किया है, बट ठीक है, हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया यहाँ का सर्दियों वाला, जो आपका जून वाला था, यहाँ आपने दिसंबर वाला भी देख लिया। अब आपने ऊपर और नीचे भी तो पृथ्वी देखी थी। ठीक है, ये क्या है, 21 मार्च की पृथ्वी और 23 सितंबर की, यहाँ पे 23 सितंबर और यहाँ वाली है 21 मार्च। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती है, तो ना तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब इतना कोई टिल्टेड पोर्शन नहीं होता कि नॉर्थ वाला ज़्यादा झुका हुआ है या साउथ वाला ज़्यादा झुका हुआ है, दोनों लगभग इक्वली होते हैं, तो लगभग इक्वल डे और नाइट्स आपको देखने को मिलती है, लगभग इक्वल। ठीक है, इसलिए आप इसे क्या कहते हो, इक्विनॉक्स कहते हो, क्योंकि दिन और रात यहाँ पे ज्यादातर इक्वल देखने को मिलती है, ज्यादा ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। ठीक है, एवरेज मौसम होता है। ठीक है, वो अब बारिश कैसे होती है ये तो दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी का, वो आप बाद में पढ़ोगे ही। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 23 सितंबर की अगर हम बात करें तो ऑटम का मौसम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग। यानी कि अगर ऊपर क्या है, पतझड़ है, तो नीचे वसंत है, और नीचे वसंत है तो ऊपर पतझड़ होगी, यानी कि दोनों अपोजिट ही चल रहे हैं, नीचे सर्दी तो ऊपर गर्मी, ऊपर गर्मी तो नीचे सर्दी, वही सीन है। ठीक है, तो 23 सितंबर के आसपास क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पतझड़ का मौसम आ जाता है, यानी कि ज़्यादातर फल फूल उगते नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में वहीं स्प्रिंग होता है, यानी कि नीचे की फसलें क्या होती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर वाली, तब उगती हैं। 21 मार्च पे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आ जाता है। ठीक है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, इसका जो मेन रीज़न है वो आपको यहाँ पे अभी दिया नहीं गया है, क्योंकि बेसिकली ना तो सर्दी है ना गर्मी है, ऑन एन एवरेज सेम ही क्या है आपके दिन और रात वाली पोजिशन है। ठीक है, जो आपने इस वाले फिगर में देखा। ठीक है, तो अब हम आगे क्या देख रहे हैं, आगे हमारा एक तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बेसिकली कह रहा है कि जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन है उससे डे और आपके सीजन्स तय होते हैं, जो आप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रोटेशन से क्या हो रहा है आपके दिन और रात तय हो रहे हैं, और रिवॉल्यूशन से क्या हो रहा है आपके सीजन्स तय हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन के साथ अर्थ कितने एक्सिस पर झुकी हुई है, 66.5 डिग्री हमें पता है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन को डिफाइन करना है, रोटेशन क्या है, क्या है अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे रिवॉल्व करना, घूमना, और रिवॉल्यूशन क्या है, अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना। ठीक है, व्हाट इज अ लीप ईयर, लीप ईयर क्या है, जब हर फोर्थ डे, मतलब फोर्थ डे नहीं सॉरी, जब हर फोर्थ ईयर हमारा जो साल होता है वो 366 दिन का हो जाता है, एक दिन ऐड हो जाता है फरवरी में। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है 365 एंड 1/4 डे में, यानी कि इतने डेज वो लेती है। ये 1/4 चार सालों में पूरा एक दिन बन जाता है, जब ये एक दिन बन जाता है तब हमारा वो दिन जुड़ के पूरा लीप ईयर बन जाता है, जिसमें 366 आपके डेज होते हैं। ठीक है, समर सोल्स्टिस को विंटर सोल्स्टिस से अलग करो। समर सोल्स्टिस में क्या होता है, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, और विंटर सोल्स्टिस में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर होता है। ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है। ठीक है, आगे हमें समझ में, इक्विनॉक्स क्या है, जब हमारा जो अर्थ है, जब हमारी जो अर्थ है ना तो वो सूरज की तरफ टिल्टेड होती है, ना सूरज से बिल्कुल ही दूर होती है, बिल्कुल इक्वल रहती है। ठीक है, यानी कि ऑटम और स्प्रिंग का मौसम होता है, उस टाइम दिन और रात इक्वल होते हैं, तो बेसिकली दिन और रात इक्वल होने को ही इक्विनॉक्स कहा गया है। ठीक है, व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी गर्मी अलग क्यों होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी गर्मी अलग क्यों होती है। तो बेसिकली जो हमारी अर्थ है उसकी पोजीशन एक ही है, यानी कि एक ही टेढ़े उसमें वो घूमती रहती है, जब वो ऐसे करके घूमती है तो एक ही पोर्शन एक बार में सूरज के साइड रह पाता है। ठीक है, बाकी ये लोग क्या होते हैं, सूरज से बिल्कुल छिप जाते हैं। तो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर जो हमारी अर्थ की डायरेक्शन है, इसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग मौसम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, व्हाई डू द पोल एक्सपीरियंसिंग अबाउट 6 मंथ डे
एंड सिक्स मंथ नाइट। जो पॉल है वहाँ पे 6 दिन तक तो दिन रहता है और 6 दिन तक रात रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, जो आपने यहाँ पे हमने दिन और रात वाली बात करी थी, जब हमने अर्थ को ऐसे बांटा था कि यहाँ दिन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ रात हो रही है, ठीक है। अब जो पोल है वो तो अपने ही पॉइंट पे, अपने पॉइंट पे ही जो अर्थ घूम रही है, तो ये तो कहीं भी नहीं जा रहे, ठीक है। अगर यहाँ सर्दियों का मौसम है, ठीक है, अगर यहाँ मान लो सर्दियों का मौसम है, तो इस वाले पोल पे पूरे टाइम क्या होगी? रात रहेगी। अगर यहाँ पे सर्दियों का मौसम है, तो इस वाले पोल पे पूरे टाइम क्या रहेगी? रात रहेगी। तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग दिन और रात होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो वो है पॉइंट, ये तो कभी बदल नहीं रहे, इन्हीं के चारों तरफ तो अर्थ घूम रही है, तो इसी पॉइंट पे घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। तो ये सब तो घूम रहे हैं, तो इसलिए दिन और रात रोज हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं घूम रहे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे अब दिन कब होगा? जब ये वाला जो साइड है ये सूरज की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये टेढ़ी रहती है, हमें पता है जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, अभी हमने बात करी थी, ठीक है, ऐसे टेढ़ी है हमारी अर्थ, ऐसे घूमती है, ठीक है। अब एक्सिस हमारी यहाँ है, जो हमारी पोल है, ठीक है। अब यहाँ की साइड सूरज आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ की साइड सूरज है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? दिन, क्योंकि ये पास वाला इलाका है, ठीक है, तो 6 महीने दिन। अब वापस से घूम के जब अर्थ की, अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ का जब ये वाला पोर्शन हो जाएगा सूरज की साइड, तब यहाँ पे दिन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि पोल के चारों तरफ ही हमारी अर्थ घूम रही है और पोल की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है हर रोज, ठीक है, सिर्फ चारों तरफ की, मतलब चारों तरफ की दूरी। अगर मान लो आप अपने पास क्या रखो, एक कंपास रखो, जब आप एक कंपास को घुमाओगे ना, ठीक है, आपकी कंपास है, यहाँ पे आपने निब रखी, जो आपकी पेंसिल है वो यहाँ से घुमाई, ठीक है, तो आपकी जो निब है वो थोड़ी ना हिल रही है, निब तो एक ही जगह रहेगी, पेंसिल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसी तरह से सूरज जो है, जो है सूरज है वो आगे पीछे हो रहा है, यानी कि मतलब सूरज आगे पीछे नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिन और रात चेंज हो रही है, यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपको करेक्ट आंसर मार्क करने हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्या करेक्ट आंसर है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ हुआ मूवमेंट क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। फिर क्या, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे सीधा जब रेज पड़ती हैं वो कब पड़ती हैं? देखो यहाँ पे जब हमने इक्विनॉक्स की बात करी थी, तब हमने देखा था कि 21 मार्च को 23 सितंबर को इक्वेटर पे सीधा इनकी रोशनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी एक साइड टिल्टेड नहीं होती है, इक्वेटर ही सामने होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूरज का जो दिन है वो सूरज का दिन और नहीं है, जो हमारा अर्थ का दिन और रात है वो इक्वल रहता है। तो 21 मार्च को 23 सितंबर को क्या होता है, इक्वेटर पे सीधा सूरज की रोशनी पड़ती है, तो हमारा आंसर हो गया 21 मार्च। फिर क्या हो रहा है, क्रिसमस समर में कहाँ वो होती है, सेलिब्रेट ऑस्ट्रेलिया में होती है। साइकिल ऑफ सीजन, सीजन की साइकिल किस पे डिपेंड है? रिवॉल्यूशन पे ही, सूरज के चारों तरफ घूमने से ही, ठीक है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं, हमें पता ही है। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, अर्थ के डेली मोशन को आप क्या कहते हो, जो आपका क्या है, रोटेशन है, यानी कि जो अर्थ अपने चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन कौन से ऑप्टिक में, इलेप्टिकल ऑर्बिट है आपका, ठीक है, जिसे जो आपका ऑर्बिटल प्लेन भी बनाता है, ठीक है। जो सन की रेज है फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ 21 जून को कहाँ पे पड़ती है? 21 जून हमारी साइड गर्मी होती है, तो हमारी साइड ही पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की रोशनी पड़ती है, ठीक है। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, डेज छोटे कब होते हैं, किस सीजन में होते हैं? सर्दियों में होते हैं। आपको पता होगा कि जो दिन छिपना शुरू हो जाते हैं 5-6 बजे से ही दिन आपका छिपना शुरू हो जाता है, बल्कि गर्मियों में 7-8 बजे भी दिन नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो डे शॉर्टर कब होते हैं? विंटर के टाइम में होते हैं। क्यों? क्योंकि विंटर का टाइम है, यानी कि ऑलरेडी हम सूरज से दूर हैं, तो सन की रोशनी बहुत कम टाइम के लिए हमारे ऊपर पड़ पाती है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि कौन कौन से मोशन करती है अर्थ, यानी कि किस तरह से अपने चारों तरफ घूमती है और किस तरह से किसी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमती है, जिसे आप रोटेशन और रिवॉल्यूशन कहते हो, कैसे इसके बेसिस पर डे और नाइट और यहाँ पे सीजन डिपेंडेंट होते हैं। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन, बाय बाय।